पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। बिना अनुमति के अवैध प्लांटिंग की जा रही थी, जिन पर एमडीए की टीम ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स के साथ अवैध प्लांटिंग करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में कर्मचारियों के साथ मौजूद थी और विकास प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की चेतावनी थी कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिस पर आगे की कार्रवाई करते हुए उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ एमडीए के द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाई की जाती रहती है। मुरादाबाद रामनगर रोड पर भोजपुर थाना इलाके में हाईवे के आसपास की जा रही अवैध कॉलोनियों के नाम पर प्लॉटिंग पर एमडीए की कार्रवाई की गई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आज थाना भोजपुर के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया गया है। लोगों द्वारा अनियमित रूप से कॉलोनी काट ली गई थी, जिनका न तो कोई नक्शा पास कराया गया था, न ही उसका नियोजन कराया गया था। जो इलीगल तरीके से बनाई हुई कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राधिकरण लगातार कर रहा है, उसी अभियान के तहत प्रवर्तन के कार्रवाई में 28 के अंतर्गत उसको हटाए जाने की कार्रवाई आदेश दिया गया था। आज हमारी टीम के द्वारा काशीपुर रोड पर गुफरान भाई का लगभग 12-15 बीघा का और थाना भोजपुर में श्री पुराना काशी रामपुर में 30 बीघा जमीन खाली कराई गई है और ये कहा गया है कि नियोजित करके ही उसको कार्रवाई करें, सीधे बिना किसी नियोजन के कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सर, आम जनता से आपकी देगी अपनी, मैं लगातार आम जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि जो भी निर्माण कार्य करें उसका नक्शा प्राधिकरण से पास कराएं, नियोजन कराएं, कंपाउंडिंग कराएं और उसको विधिवत तरीके से निर्माण कार्य करें, जिससे कि मुरादाबाद का सुनियोजित विकास हो सके। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।